विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी, पहला काव्य आराधना। आराधना का अर्थ है प्रार्थना। यहाँ पर इसके कवि, इस काव्य के कवि वसंत बापट भगवान से आराधना करते हैं, मतलब कि प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना क्या है कि सारे जग का कल्याण हो, दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका कल्याण हो, ऐसी आराधना वो भगवान से करते हैं। देखते हैं हम, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहना चाहते हैं कि देह मंदिर और चित मंदिर, मेरा देह रूपी मंदिर और मेरा चित रूपी मन रूपी मंदिर एक ही प्रार्थना करता है। कौन सी प्रार्थना करता है? सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुनिया में नित्य मतलब हमेशा आराधना हो। किसकी आराधना हो? सत्य की। सत्य को लोग ज़्यादा महत्व दे, सत्य सुंदरता मतलब कि जो अच्छा है, और मंगल, सबकी मंगल कामना। तो सत्य सुंदर और मांगल्य की नित्य आराधना हो, ऐसा भगवान से, ऐसी भगवान से कामना करता है, करते हैं कवि। आगे देखेंगे, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाए जगाए संवेदना। कवि कहते हैं भगवान से ऐसी आराधना करते हैं कि दुखियारों का दुख जाए, दुनिया में जितने भी लोग दुखी हैं उन सबका दुख दूर हो, यही मेरी मन की कामना है। वेदना को परख पाए जगाए संवेदना, लोगों में ऐसी संवेदना उत्पन्न हो कि जिससे लोग दूसरों की वेदना को समझ सके, दूसरों की वेदना को परख सके। परखना मतलब कि समझना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, भगवान से मांगते हैं कवि कि मुझे पौरुष मतलब शक्ति, यहाँ पौरुष का अर्थ होता है शक्ति, मुझे शक्ति मिले। लेकिन उस शक्ति का मैं क्या काम करूँ? तो दुर्बलों का रक्षण करना है। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, सबको शक्ति मिले लेकिन उस शक्ति का उपयोग हो दुर्बल की रक्षा करने के लिए। जीवन में नवतेज हो अतरंग में भावना, कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में नवतेज हो, सबके जीवन में नया तेज आए, और अतरंग में भावना, अंतरात्मा में ऐसी भावना है कि दूसरों का भला ही हम सोचें। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, दुनिया में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो। कवि भगवान से आराधना करते हैं कि ऐसा एक वातावरण बने जिसमें सुंदरता की आस हो, हम सुंदरता मतलब कि यहाँ अच्छाई, अच्छाई की सब आशा करें, और मानवता की हो उपासना, सब मानवता को ज़्यादा महत्व दें, मानवता मतलब कि अच्छे काम। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भगवान से अभ्यर्थना, अभ्यर्थना मतलब इच्छा, भगवान से कवि इच्छा प्रकट करते हैं कि शौर्य पावे, सबको सुरवीरता प्राप्त हो, साहसिकता प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो। धैर्य पावे, शक्ति के साथ सुरवीरता के साथ धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, धीरज भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कि कवि कहते हैं कि सब लोगों को सुरवीरता मिले और साथ में धीरज मिले। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। कवि कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भेद सभी अस्त होवे, मतलब कि दुनिया में जितने भी भेद हैं, जाति पाति के, धर्म के, गरीब अमीर के, जितने भी भेद हैं वो सारे भेद अस्त हो, अस्त हो मतलब नष्ट हो। और वैर और वासना मतलब कि जो दुश्मनी है, वैर भावना है, वासना है, ये सारी बुराइयाँ दुनिया से दूर हो, ऐसी भगवान से कामना आराधना कवि करते हैं। मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, वसुधैव कुटुम्बकम्, एकता यहाँ पर कवि ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं कि एक ही इच्छा है, एक ही कल्पना है, और वो कल्पना है मानवों की एकता। और भगवान से कवि प्रार्थना करते हैं कि ये मेरी जो इच्छा है, मेरी जो कल्पना है वो पूर्ण हो,
ऐसी भगवान से वो आराधना करते हैं। मुक्तहम चाहे एक ही बंधुता की कामना, दुनिया में सब लोग स्वतंत्र बने, मुक्त बने, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। मुक्तहम चाहे एक ही बंधुता की कामना, और एक ही कामना है और वो है बंधुत्व। दुनिया में शांति आए, बंधुत्व आए, यही आराधना कवि करते हैं। तो यहाँ पर इस काव्य में कवि ने भगवान से आराधना की है, प्रार्थना की है, और दुनिया का मंगल हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो, ऐसी इच्छा मनोकामना व्यक्त की है। थैंक यू वेरी मच।